तो दोस्तों, मैंने एक जरूरी जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि फ्लिपकार्ट ने एक गेम जोन स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप अगर गेम में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गेम जोन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको गेम खेलना पड़ता है। ये देख रहे हैं गेम, यहाँ पे प्ले नाउ करके आपको गेम खेलना पड़ता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 110 ये जेम्स कलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आपको प्राइस देंगे। यहाँ पे आप जब भी गेम खेलेंगे यहाँ पे आपको प्राइस मिलेंगे। ये देख रहे गाइस व्हाट, इस तरह के आप जब गेम खेलेंगे यहाँ पे आपको पिक्सार दिखाएंगे, वो पिक्सार कौन सी है उसका नाम लिखना है, उस तरह के आपको गाइस करना है। यहाँ पे क्विज कॉम्पिटिशन है। इस तरह के फ्लिपकार्ट जो गेम बना रहे हैं इससे आपको क्या होगा कि आपको कॉइन्स मिलेंगे। जब आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देंगे तो आपको कॉइन्स मिलेंगे और उसके साथ आपको प्राइस मिलेंगे। मोबाइल मिल सकते हैं आपको, 12,000-15,000 रुपये का मोबाइल मिल सकते हैं। उसके बाद आपको होम थिएटर मिल सकते हैं, होम थिएटर मिल सकते हैं। इस तरह के आपको गेम खेलना है। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों को बोलेंगे फ्लिपकार्ट, उस तरह से आपको गेम खेलना है। तो उसी प्रकार से आप खेलिएगा और कॉइन्स जीतेगा। और बाद में आपको जब लॉटरी जैसे कुछ होंगे, यहाँ पे एक डेट देंगे यहाँ पे कि 30 सितंबर, 30 अक्टूबर यहाँ पे, तो वहाँ पे सब जितने भी आप लोगों के कॉम्पिटिटर होंगे वहाँ में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके प्राइस देंगे। प्राइस कुछ भी हो सकता है, बड़ा बड़ा प्राइस हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कॉइन्स भी दे सकते हैं, आपको ऑफर भी दे सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे हर रोज कुछ ना कुछ गेम खेल के आपको ये सब कॉइन्स और जेम्स आपको कलेक्ट करते रहना है। यहाँ पे प्ले नाउ करेंगे तो प्ले हो जाएंगे। तो ये है फ्लिपकार्ट की बात। तो उसके बाद अमेज़न ने भी शुरू किया है, मैं आपको अमेज़न का एप्लीकेशन खोल के दिखाऊंगा। तो आप अमेज़न का एप्लीकेशन देखिएगा। तो अमेज़न एप्लीकेशन जब आप खोलेंगे तो आपको ये दिखाई मिलेगा, स्पिन एंड विन। तो यहाँ पे मैंने भी ये स्पिन किया है। तो मैं एक होम थिएटर के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, मतलब एक 20,000 रुपये का सोनी का, 20-25,000 रुपये का सोनी का जो होम थिएटर है उसके लिए मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। लेकिन कॉम्पिटिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये 30 सितंबर को वो लोग अनाउंस करेंगे कि कौन जीते हैं। तो यहाँ पे मैं एक होम थिएटर के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएंगे ये। तो यहाँ पे आपको टैप टू स्पिन करना है। तो यहाँ पे आप जब टैप करेंगे तो इस प्रकार से ये टैप होंगे। अगर आपको एक लाख रुपये का ये जो मिल गया तो आप 1 लाख तक जीत सकते हैं। तो यहाँ पे बेटर लक, नेक्स्ट टाइम 1 लाख, इस तरह से आप लाकी बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पिन करना है। तो मैं एक होम थिएटर के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, इन लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है और वो अभी मतलब कॉम्पिटिशन खत्म नहीं हुआ। विनर यहाँ पे 30 सितंबर को इसे दिया था, जब 30 सितंबर आएंगे वहाँ पे विनर वो लोग घोषणा करेंगे। तब शायद अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो तब अगर मुझे विनर घोषणा कर दी तो मुझे एक होम थिएटर मिल सकता है सोनी का, वो भी 20-25,000 रुपये का। वहाँ पे लिखा था कीमत, मुझे पता नहीं था, मैंने स्क्रीनशॉट भी मारा था लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टैप टू स्पिन करके देखता हूँ क्या मिलता है आखिर। तो यहाँ पे देखा गया कि मुझे 1 लाख का जो है 1 लाख रुपीज दिया गया है। यहाँ पे मैं 1 लाख रुपीज मैंने सिलेक्ट हुआ 1 लाख रुपीज के लिए। तो यहाँ पे आपको क्लेम योर प्राइस मारना है। तो यहाँ पे आपको आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा कौन सी क्वेश्चन का। तो यहाँ पे मैं वो नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे वेल डन भी लिखा गया है ऊपर थोड़ा सा, ये वेल डन। तो आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे आपको आंसर द क्वेश्चन में आपको आंसर देना है। कुछ एक आंसर देंगे कुछ क्वेश्चन का, तो एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आपको आंसर दे के आपको वो आपको सिलेक्ट होना है। तो अगर आप सिलेक्ट हो गए तो जिस दिन प्राइस अनाउंस करेंगे आप सिलेक्ट हो सकते हो उस प्राइस के लिए। अब मुझे 1 लाख रुपये का, 1 लाख रुपीज मुझे के लिए मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। तो उसके बाद अगर जिस दिन वो अनाउंस मतलब लॉटरी का जो दिन होगा उस दिन अनाउंस करेंगे कि किसने जीता है ये 1 लाख रुपीज, तो उस प्रकार से आप जीत सकते हो। तो यहाँ पे आपको सब फंडा समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये ट्राई करके देखिएगा, क्या पता आपका दिन भी खुल सकता है। तो ठीक है, ये KBC ही समझ लीजिए और आप इसका लुत्फ उठाएगा अमेज़न और फ्लिपकार्ट में।